हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर से रिलेटेड। बिल्कुल इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर से रिलेटेड जितने भी क्यूज बनते हैं उनको सोल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि हमें ओड नंबर, इवन नंबर एंड प्राइम नंबर की सीरीज हमें पता होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि जो भी 1 to 20 तक नंबर होते हैं उनका स्कोर और उनके जो क्यूब का जो नंबर्स होता है वो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। वो सब अगर हमें पता होगा तो हम इजी वे में इनको सोल्व कर पाएंगे, साथ ही टाइम सेव कर पाएंगे। तो देखते हैं हमारे सामने कौन कौन से क्वेश्चन मेंशन करेंगे। पहले हम नंबर सीरीज वाले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो एनालॉग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे, देन स्ट्रक्चर वाले जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सीरीज वाले सोल्व करते हैं, तो पहले हम सिंपल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देन सिंपल टू टिपिकल की तरह हम वन बाय वन बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन के अंदर कौन सी नंबर सीरीज अप्लाई कर रखी है। तो सेम वही चीज़ है जैसे कि हमने कोडिंग और डिकोडिंग देखा है कि रिलेशन फाइंड आउट करना कौन सी ट्रिक्स वहाँ पर अप्लाई कर रखी। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स दे रखे हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन इस सीरीज में कंटिन्यू रहेगा। जैसे यहाँ पे जो रिलेशन है वो यहाँ पे रिलेशन वो यहीं पे अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे रिलेशन है वो नेक्स्ट हमारे जो वर्ड आएगा उसमें रिलेशन रहेगा। इसी को हम नंबर सीरीज बोलते हैं ना, उस सीरीज में जो कंटिन्यू रिलेशन रहेगा। तो पहले देखते हैं कि क्या रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर रखा। तो देखते हैं हमारे 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है। 2 और 4 के बीच में है 2 का डिफ्रेंसिएशन। 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या है कि +2 किया, मतलब एड किया है ना। वहीं अगर 4 और 6 के बीच में देखें तो यहाँ भी 2 एड किया, 6 to 8 के बीच में तो यहाँ भी 2 एड किया, 8 to 10 के बीच में तो यहाँ भी 2 एड किया। नाउ तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें रिलेशन पता चल गया कि नंबर्स एड करके नेक्स्ट नंबर हम बना रहे हैं, तो इसमें हम 2 एड करके नेक्स्ट नंबर हमारा बन जाएगा। तो इसमें हम 2 एड करेंगे तो कितना होगा, 10 + 2, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 12। तो 12 हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन में देखना है 12 हमारा आंसर दे रखा होता है। बिल्कुल सिंपलेस्ट नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है ये वन, है ना। सेकेंड देखते हैं किस प्रकार का बनता है। तो सेम वही ट्रिक्स देखना है कि क्या रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर रखा। तो 10 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस है, 2, और 2 क्या माइनस कर रखा है, ऐड कर रखा, तो यहाँ पे ऐड कर रखा, तो +2 का डिफरेंसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं 12 और 13 में 3 ऐड कर रखा। नेक्स्ट है 15 to 19 में 4 ऐड कर रखा, और 19 to 24 में 5 ऐड कर रखा। देट मीन्स क्या कि बढ़ते हुए क्रम में ऐड कर रखा, यहाँ पे 2 2 2 ऐड कर रखा, लेकिन यहाँ पे क्या है बढ़ते हुए क्रम 2 एड किया, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 7 8 9 ऐसे ऐड किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 ऐड करेंगे। समझ पा रहे चीज़ को, है ना। रिलेशन फाइंड आउट करना कौन सी सीरीज वहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए नंबर ऐड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 5 ऐड किया, 9, 6 ऐड करेंगे, जो 6 ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो 24 में 6 ऐड करने पे क्या आता है हमारे सामने 30, तो हमारा 30 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है थर्ड हमारे सामने 24, देन 48, देन 96। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जब डिफरेंशिएशन आपको एक स्मॉल नंबर में दिखे, जैसे 2, देन उसके बाद में 4, देन 6, देन उसके बाद में 8, 10, तो इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देट मीन्स वहाँ पे या तो ऐड कर रखा या वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है, या वहाँ पे हो सकता है सब्सट्रैक्ट माइनस कर रखा हो। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन आपको ज़्यादा लगे, है ना, तो हो सकता है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा हो, सकता है वहाँ पे स्क्वायर कर रखा हो, सकता है वहाँ पे क्यूब ले रखा हो ना, तो ये चीज़ आपको वहीं पे डिसाइड करना है कि डिफरेंशिएशन ज़्यादा है या डिफरेंशिएशन कम है। ज़्यादा डेट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हायर लेवल की तरह बढ़ा हुआ क्यूज है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ा हमें ज़्यादा दिख रहा है, देट मीन्स कि ये एडिंग वाला तो यहाँ पे होगा नहीं। तो क्या है यहाँ पे देखते हैं डिफरेंशिएशन कितना, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कितना हुआ, 24 का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे कितना 48 का है, तो नेक्स्ट यहाँ पे कितना, देट मीन्स क्या कि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 48 है, तो मल्टीप्लाई कर रखा है ना, मल्टीप्लाई वाला रूल हम अप्लाई करते हैं। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 48 आते हैं, 48 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आएंगे। तो 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारे सामने नंबर्स आएंगे वो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो कितना आएगा, 6 × 2 = 12, और 9 × 2 = 18 और 19, एक हमारे पास है, तो 192 हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। कंसेप्ट क्लियर है। और वही नेक्स्ट अगर हम वापस श्योर करना चाहें तो 192 को, है ना, यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए 192 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने 384 आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड आउट हो गया, 192 यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा राइट रहेगा। क्लियर है कंसेप्ट। डिफरेंशिएशन देखना है कि स्मॉल नंबर में डिफरेंशिएशन है या ज़्यादा नंबर में डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ हमारे सामने, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ता रहेगा। 25 है,
देन हमारा 52 है, 106 है, 214 है, तो नेक्स्ट क्या रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो देखते हैं कि आप ऐड तो नहीं करेगा, सब्सट्रैक्ट नहीं करेगा, मल्टीप्लाई करेगा वो देखते हैं, या किसी का स्कोर वगैरह तो नहीं ले रखा तो वो भी देखते हैं, या मल्टीप्लाई कर रखा या ऐड कर रखा है ना, चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे 25 और 52 के बीच में डिफरेंसेस देखे थे 27 नंबर का है, और फिर हम यहाँ पे देखे तो यहाँ पे अप्रोक्स हमारे सामने आएगा 54 नंबर का। देट मीन्स क्या कि डबल करके मतलब मल्टीप्लाई करके कहीं ऐड तो नहीं कर रखा। तो हम देख लेते हैं, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसमें ऐड कर देंगे। सेम वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 52 को, 52 आएगा यहाँ पे, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, 106 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ऐड कर देंगे, तो शायद ये हमारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल यही आ रहा है ना, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 एंड 50 प्लस 2 52, ये हमारे सामने 52 इंटू 2 तो कितना आएगा 104, और 104 प्लस 2 तो 106, 106 यहाँ पर लिखा। सेम उसी प्रकार 106 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा 212, 212 प्लस 2 करेंगे तो 214। तो नेक्स्ट सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि 214 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हमारे सामने कितना आएगा, तो ये हमारे सामने बनेगा 214 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 428, एंड प्लस 2 करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा 430। तो 430 नेक्स्ट हमारे यहाँ पे नंबर आएगा। कंसेप्ट क्लियर है ना, ऐड भी करेगा उसका डायरेक्ट, सीरीज में ऐड कर रखा हो सकता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हो सकता है, मल्टीप्लाई करके प्लस कर रखा हो सकता है, मल्टीप्लाई करके ए माइनस कर रखा हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है। कंसेप्ट को आपको पकड़ना, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 9 देन 16 देन 25 देन 36 देन 49, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसिएशन बढ़ाओ, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है इनके बीच में, रिलेशन क्या मेंशन करेगा। तो यहाँ पे हमारे सामने आ रहा 5 का, देन इधर हम देखे थे यहाँ पे हमारे सामने कितने का आ रहा 25 टू 9, तो यहाँ पे अप्रोक्स हमारे सामने 9 का आ रहा है ना, देन यहाँ पे देखे 11 का आ रहा, देन यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे सामने 13 का आ रहा है ना, तो नेक्स्ट हमारा 15 का आएगा। बट इस सीरीज से इसको हम सोल्व ना करके इनको हम स्कोरिंग की तरफ बढ़ेंगे है ना, हम स्कोरिंग की तरफ देखते हैं। तो जैसे कि 3 का स्कोर कितना होता, 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे ये 3 का स्कोर है, 16 है तो 4 का स्कोर है ना, 5 का स्कोर है 25, तो ये 5 का स्कोर दे रखा, 6 का 6 इंटू 6 तो 36, तो ये 6 का स्कोर है, ये हमारा 7 का स्कोर है ना, 49 7 का स्कोर, तो होस्ट नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा 8 का स्कोर, क्योंकि यहाँ पे ये कितने का 9 का स्कोर है, तो ये मिसिंग नंबर में फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे क्या है कि स्कोरिंग वाली सीरीज चल रही है, 3 का स्कोर देन 4 का स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर देन 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, नाउ नेक्स्ट क्या होगा 8 का यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो 8 इंटू 8 क्या आएगा हमारे सामने 64। कंसेप्ट क्लियर है, तो 64 हमारे यहाँ पे मिसिंग नंबर मिलेगा जो भी सीरीज का नेक्स्ट नंबर आएगा। कंसेप्ट क्लियर है, स्कोर वाले यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 6 नंबर, तो यहाँ पे क्या है 2 देन 28 देन 126 देन 344, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आ रखा है, तो हो सकता है यहाँ पे क्यूब अप्लाई कर रखा है, तो क्यूब वाला सीरीज लगा था। मैंने बताया आपको कि ना वहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना, कि अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कम है देट मीन अगर प्लस माइनस कर रखा है, या हो सकता है थोड़ा डिफरेंशिएशन ज़्यादा तो मल्टीप्लाई कर, लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैसे है कि दो दो से फिर 28, 28 से फिर 126 और फिर 344, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन आ गया। देट मीन्स क्या कि यहाँ पे क्यूब है, तो देखते हैं कि ये जो 2 है 2 किसका क्यूब होता है, तो यहाँ पे 2 किसी का क्यूब नहीं होता, हो सकता कुछ ऐड कर रखा, तो 1 का क्यूब प्लस 1 तो नहीं कर रखा, तो बिल्कुल 1 का क्यूब 1 होता है, देन प्लस 8 करेंगे तो 2 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 2 का क्यूब तो ये नहीं है, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27 होता है प्लस 1 तो 28 हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। देन 5 का, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, क्यूब कैसे निकालते है ना, क्यूब का मतलब होता है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और स्कोर का मतलब होता है कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को जिसका मैं क्यूब या स्कोर फाइंड आउट करना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125, 125 प्लस 1 126, देट मीन्स क्या कौन सी सीरीज चल रही है कि 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब, तो नेक्स्ट हमारा किसका रहेगा 7 का, क्यों देखो मैंने बताया ओड इवन और प्राइम नंबर आपको याद रखना। अब यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है हमारे सामने, ये हमारे सामने चल रही है ओड वाली सीरीज,
ये प्राइम सीरीज नहीं है, प्राइम और ओड में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, वो चीज़ भी आपको क्लियर। तो ये हमारी ओड वाली सीरीज चल रही है क्योंकि ये वन का स्क्वायर है, सॉरी वन का क्यूब है, देन ये थ्री का क्यूब है, देन ये फाइव का, देन ये सेवन का, नेक्स्ट हमारे सामने क्या आएगा नाइन का। सेवन का क्यूब कितना होता, तो सेवन का क्यूब हमारे सामने होता थ्री फोर, थ्री प्लस वन करेंगे तो हमारे सामने थ्री फोर, तो नाइन का नेक्स्ट, तो नाइन का क्यूब कितना होता, नाइन का क्यूब कैसे निकालेंगे, नाइन इंटू नाइन कितना होता है 81, 81 को 9 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैं क्यूब फाइंड आउट करें तो 9 इंटू 9 और 8 9 72, तो 729, 729 प्लस 1 है ना, प्लस 1 भी करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 कर रखा, तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 9 3 0 है ना, 9:30 हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, नेक्स्ट आंसर रहेगा क्योंकि प्लस वन भी क्यूब के बाद में प्लस वन भी ऐड कर रखा, तो प्लस वन भी हमें ऐड करना, तो 9:30 हमारा नेक्स्ट यहाँ पे सीरीज रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने है वन देन टू देन सिक्स देन थर्टी देन टू टेन, दैट मीन्स कि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसिएशन है, तो यहाँ भी क्यूब वाला ही है लेकिन कुछ और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं कर रखा, तो वो देखते हैं। तो अगर हम वन को टू से मल्टीप्लाई करें, वन इंटू टू, तो हमारे सामने कितना आएगा टू, देन हम टू को थ्री से मल्टीप्लाई करें, है ना, टू को हम थ्री से करें तो कितना आएगा टू इंटू थ्री सिक्स, देन हमारा नेक्स्ट क्या है कि सिक्स को, है ना, जो नंबर हमारे सामने आ रहा है उसी को हम नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना, तो सिक्स को अगर हम फाइव से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स इंटू फाइव इक्वल टू थर्टी, तो थर्टी हमारे सामने आ रहा है। नेक्स्ट हमारा थर्टी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सीरीज कौन सी चल रही है, टू थ्री, देन हमारे यहाँ पे आ गया फाइव, तो यहाँ पे क्या आएगा सेवन, तो सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी को, तो कितना आएगा हमारे सामने टू टेन, ठीक है। सेम उसी प्रकार नेक्स्ट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे देखो ओड नंबर वाली सीरीज चल रही है या हमारी प्राइम नंबर वाली सीरीज चल रही है, यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर रखना। तो प्राइम नंबर वाली सीरीज क्या होती है, वन टू थ्री देन फाइव देन सेवन देन इलेवन, नाइन नंबर नहीं होता, अगर नाइन आएगा तो वो हमारा किस में जाएगा, ओड में, ना कि प्राइम, नाइन प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ नाइन से मल्टीप्लाई ना करके किससे करेंगे टू टेन को मल्टीप्लाई, टू टेन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इलेवन को, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे प्राइम नंबर वाली सीरीज चल रही है, यही कंसेप्ट आपको पकड़ना है। तो हम इलेवन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू टेन को, है ना, टू टेन को इलेवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने कितना आएगा टू थ्री वन जीरो, टू थ्री वन जीरो नेक्स्ट हमारा आंसर रहेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर है ना, चीज़ें आपको पकड़ना है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रखी है, देन आफ्टर आपको सोल्व करना है ना, डिफरेंशिएशन देखना, एग्जाम में इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है, तो हमें बस कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि सीरीज के बीच में डिफरेंशिएशन ज़्यादा है या कम है, कम है तो हमको एडिंग सब्सट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके करना, और वो ज़्यादा डिफरेंशिएशन दे रखा ना, यहाँ पे टू से सीरीज स्टार्ट हुई थी और थ्री फोर फोर पे, दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन है, तो हो सकता है वहाँ पे क्यूब या स्कोर अप्लाई कर, ज़्यादा डिफरेंशिएशन है तो क्यूब अप्लाई कर रखा, थोड़ा सा कम है तो स्कोर वाला जो सीरीज है वो अप्लाई कर रखा। तो ये हमारा नंबर सीरीज वाला जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व हो गए, थोड़े इजी टाइप के, इससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट अभी हम इजी टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ पे सोल्व करें। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालॉग टाइप के, एनालॉग टाइप के सिंपल होते हैं बिल्कुल, बट रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन किन किन के बीच में, जो दो हमारे सामने रिलेशन होते हैं, एक तो देखो सिंपल वाला क्वेश्चन, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें इसमें क्या रिलेशन है, वही हमें इसमें और इसमें रिलेशन हमें अप्लाई करना, ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है दोनों चीज़ें, है ना, दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें देखना, ये तो सिंपल वाला होता है। समटाइम ऐसे भी होता है, जैसे अभी नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ये वाला है इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें जो ये वाला है और इसमें अप्लाई करना होता, तो ये भी होता है, बट अभी हमें पहले सिंपल वाले देखते हैं, देन उसके बाद में टिपिकल वाले देखते हैं एनालॉग टाइप के क्वेश्चन में। तो पहले रिलेशन देखते हैं, तो 15 और 150 में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे तो सीधे सीधे देख रहा है कि 15 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 150 है, दैट मीन्स क्या कि 200 कब आएगा, जब किसी संख्या को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई किसे करेंगे, जब हमारे सामने 200 आएगा तो किसे, 20 को, 20 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने 200, दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा 20 आएगा। कंसेप्ट आपको समझना है, जो रिलेशन यहाँ अप्लाई कर रखा वो रिलेशन या वो ट्रिक्स आपको सेम एज इट इज इधर अप्लाई करनी है, कंसेप्ट क्लियर है। नाउ सेकंड हमारे सामने है, सेकंड में वो सेम रिलेशन देखना है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, वही हमें यहाँ पे और यहाँ पे रिलेशन अप्लाई करना है ना। तो 12 और 144 में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन हमें देखना है सेम एज इट इज, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो
यहाँ पे क्या है कि 12 का स्कोर कितना होता है, 12 इंटू 12 तो कितना आएगा हमारे सामने 144। तो दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे जो ये वाला नंबर है उसका स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले नंबर का स्कोर यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल कंसेप्ट है। तो 25 का स्कोर कितना होता है, 25 इंटू 20 स्कोर, मतलब सेम संख्या को सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर स्कोर आता है। तो 25 इंटू 25 करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा सामने 625, तो 625 हमारे सामने एक बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सेम टाइम आंसर जाते हैं, लेकिन सिंपल ट्रिक्स यही होती है, वो आपको देखना। नेक्स्ट हमारे सामने थर्ड, 20 और 800 में क्या रिलेशन है, वही हमें 10 और इसमें रिलेशन निकालना। तो 20 और 800 में क्या रिलेशन है कि 20 को किससे मल्टीप्लाई किया तब हमारे सामने 800 आए, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई किया हमारे 400 से, नहीं 400 से नहीं, 20 को हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 40, बिल्कुल 20 को हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया 40 से, तो 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे कितना आ रहा है हमारे 800। सेम वही हमारा क्या आएगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना इधर मल्टीप्लाई किया उतना इधर करना, तो 10 को भी हम 40 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारे सामने 400, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ईजी है ना, इसका हाफ करके भी अगर हम निकालेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कि जो रिलेशन है वो यहाँ पे रह जाए, क्योंकि 20 का हाफ 10 है तो इसका हाफ कितना होगा 400, उस प्रकार से भी आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे वो जो मैंने फर्स्ट आपको ट्रिक्स बताई वो ट्रिक्स भी आप अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं कि इन इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो 20 का हाफ है 10, तो 800 का हाफ 400 हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉमन सेंस, कि आप कौन सा कॉमन सेंस वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, टाइम सेविंग के लिए आप कौन सा वे वहाँ पे यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर, आंसर वही आना है ना, कंसेप्ट आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट हमारे सामने फोर्थ वन, तो इनमें क्या रिलेशन अप्लाई करेगा वो भी मैं देखना। तो 15 देखो, अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, 15 और 76 में कोई बड़ा बड़ा रिलेशन हमें दिख नहीं रहा कि 15 और 76 में कोई मल्टीप्ली सेम नंबर से कोई मल्टीप्लाई कर रखा है या किसी नंबर से डिवाइड कर रखा है या कुछ ऐड कर रखा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे ना देख के क्या करेंगे, 15 और 30 के बीच में रिलेशन देखेंगे, सेम वो रिलेशन 76 और जो हमारा नंबर आएगा नेक्स्ट जो भी हमारा आंसर रहेगा उसमें रिलेशन देखेंगे। तो 15 और 30 में क्या रिलेशन है कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब हमारा 30 आया, तो 76 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 152, 76 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने 152 आएगा, तो 30 इक्वल इस टू 152 हमारे सामने राइट, जो भी हमारा नंबर से मिसिंग नंबर वो हमें फाइंड आउट हो गया। तो एनालॉग वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, है ना, बस इनको थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। अगर इन दोनों में रिलेशन इजीली फाइंड आउट हो जाता जो सामने वाले नंबर हो पहले वाले नंबर होते हैं तो वो आपको सेम उधर अप्लाई करना, अगर इनमें रिलेशन में फाइंड आउट नहीं होता तो फिर हमें ये वाले में रिलेशन अप्लाई करना है ना, थर्ड नंबर पे हमें रिलेशन पे जाना है, ये ट्रिक्स आपको वहाँ पे पकड़नी है। तो क्लियर है एनालॉग टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भी हमारे स्ट्रक्चर में होते हैं मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के, तो ये भी सेम ही है कि ना हमें इनमें एक तो अप्लाई करना होता है कि हमें एंगल के अकॉर्डिंग चलना होता है, साइड टू साइड, कि आप क्लॉकवाइज चलो, अगर क्लॉकवाइज कोई रिलेशन नहीं दिख रहा देन आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, वहाँ भी कुछ रिलेशन नहीं चल रहा दिख रहा तो फिर आप क्रॉस जाओ, है ना, क्रॉस में भी कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा तो सेम आपको वो सेम चीज़ अप्लाई करनी है कि स्कोरिंग तो नहीं है, देन वहाँ पे क्यूब तो नहीं कर रखा, कुछ एड तो नहीं कर रखा, आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं कर रखा, वो चीज़ आपको देखना। तो सबसे पहले कि तो हमें सिंपल वे से चलना है कि हमें किस तरीके से चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलते हुए अगर हम ट्रिक्स पकड़ पा रहे हैं तो वहीं पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पहले मैं अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज वाला, तो यहाँ पे 16 है देन 36 है, तो 16 हमारा क्या है, 16 हमारे यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, समझना चीज को, तो 4 का स्क्वायर है, देन 36 क्या है, 36 हमारे 6 का स्क्वायर है, और 10 हमारे क्या है, 10 यहाँ पे सॉरी 100 क्या है हमारे 10 का स्क्वायर है। दैट मीन्स क्या कि 4 6 से 10 दो दो के डिफरेंस में जो भी वर्ड आ रहे हैं उनको स्कोर यहाँ पे मेंशन करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 का स्कोर, तभी हमारी सीरीज कंप्लीट होगी, जैसे 4 6 8 10 ये यहाँ पे अप्लाई करेगा, तो इनका स्कोर यहाँ पे ले रखा है तो यहाँ पे 8 का स्कोर आएगा, तो 8 का स्कोर कितना होता है 64, तो 64 हमारे यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्लियर। सेम वही नेक्स्ट वाले की तरफ देखते हैं, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज कुछ रिलेशन है देन एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज देखेंगे तो 25 देन 40 देन 30 देन 50 देन 80, तो कुछ डिफ्रेंसिएशन मतलब एक इरेगुलर वे में हो रहा, तो ये इस प्रकार क्लॉकवाइज तो सोल्व नहीं करेगा। एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज 80 देन 50 या 30 का डिफरेंस, यहाँ 20 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे माइनस फिर 10 का डिफरेंस आ गया है ना, माइनस 10 की बात करें तो फिर यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सोल्व नहीं होगा।
नेक्स्ट हम मैंने क्या बताया, क्रॉस वाइज जाना, सेम चीज को क्रॉस वाइज जाना। तो क्रॉस वाइज क्या कि इसके सामने ये लिखा हुआ, इसके सामने ये लिखा हुआ, इसके सामने ये, इस से सोल्व हो रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दो दो हाफ क्यूब स्कोर को हाफ करके इधर वाला ऐड करेंगे उधर वाला ऐड करेंगे तो उस प्रकार सोल्व करेंगे। तो अभी हम सेकंड वाला जो आमने सामने वाला जो अपोजिट लिखा हुआ बड़े, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट, उनमें कुछ रिलेशन तो नहीं, तो वो फाइंड आउट कर लेते। तो देखते हैं, तो 25 और 50 में क्या रिलेशन है कि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करका या उसको डबल करका तब मेरे सामने 50 है। अच्छा, एक रिलेशन तो फाइंड आउट हुआ, और कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म कैसे करेंगे, सेकंड वाले के साथ सेम रिलेशन अप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे अपोजिशन वाला नियम लगा रखा और उसको 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा तब हमारा मिसिंग नंबर फाइंड आउट होगा। तो सेम हम क्या करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है, यही इनका ट्रिक्स होता है, सेम चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करना होता है तभी हमारा राइट आंसर आएगा। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 60, तो 60 हमारा मिसिंग नंबर आएगा। कंसेप्ट क्लियर है ना? अब इसमें मैंने बताया कि ये वाला भी अप्लाई हो जाता है, अगर ये रिलेशन भी नहीं मिलता फिर हम आगे तरफ जाते कि तीनों को ऐड करके, इन तीनों को ऐड कर, इन दोनों को ऐड करके, तो यहाँ पर नहीं लिखा, तो इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे, वो चीज़ हो जाएगी, है ना? तो क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, आपको बस ट्रिक्स कौन सी दे रखी है, कंसेप्ट उसमें कौन सा अप्लाई कर रखा है, रिलेशन क्या है वहाँ पे, वो हमें फाइंड आउट करना है और वहाँ पे अप्लाई करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है, तो वो सेम रिलेशन देखना है, ऐड किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हुआ या किसी को डिवाइड कर रखा है, स्क्वायर है, क्यूब है, वो चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल वे से हम स्टार्ट करते हैं, ऐड कर रखा है क्या, तो 5 प्लस अगर 4 को हम करते हैं तो 9 आते हैं, यहाँ पे तो 20 है ना, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। 4 + 3 को अगर ऐड करते 7 आता है, लेकिन यहाँ पर 12, तो 8 तो नहीं कर रखा, 9 माइनस कर रखा, डिवाइड भी नहीं कर रखा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर से ज़्यादा डिवाइड करते हैं तो कम हो जाते हैं। दैट मीन्स क्या कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद स्कोर की तरफ, क्यूब की तरफ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 से तो 20 आ रहा, हाँ हो सकता है ये रिलेशन। कंफर्म करने के लिए सेकंड को भी करेंगे, तो 4 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 12, 4 × 3 = 12। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये ट्रिक्स है यहाँ पे अप्लाई करना, बिल्कुल ईजी है। तो 2 × 9 करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 18, 18 यहाँ मिसिंग नंबर हमारा राइट आंसर रहेगा। कंसेप्ट क्लियर है ना? इस स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है और कौन सा सीरीज वहाँ पे अप्लाई कर रखा, कौन सा ट्रिक्स वहाँ पे अप्लाई करा, वो पकड़ के हमें आंसर फाइंड आउट करना। नेक्स्ट देखते हैं कि 2 को 9 लिखा, 3 को 28 लिखा, 5 को 126 लिखा, तो 4 को हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या ऐड कर रखा, नहीं ऐड तो नहीं कर रखा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है ना, मल्टीप्लाई कर रखा, मल्टीप्लाई में भी इतना नहीं होगा, तो क्या स्कोर है, स्कोर देखते हैं, या क्या यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, तो कौन सी चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्यूब लग रहा है क्योंकि डिफरेंसिएशन ज़्यादा, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है भाई साहब 8, बट 8 तो नहीं है, तो हो सकता है क्यूब प्लस कुछ एडिशन का नियम लगा रखा, तो क्यूब है प्लस 1 ऐड किया तो हमारा 9 आएगा, बिल्कुल। आगे और देखते हैं, तो 3 का क्यूब होता है हमारे सामने 27 और प्लस 1, हाँ हो सकता है ये, लेकिन एक और हम देख लेते हैं, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 1, तो हम कंफर्म हो गए कि क्यूब प्लस 1 कर रखा है, वो हमारा नेक्स्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्यूब प्लस 1 करने पे 9 आया, यहाँ पे क्यूब प्लस 1 करने पे 28 आया, यहाँ पे क्यूब प्लस 1 करने पे 126 आया, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब हमारा 64, 64 प्लस 1 है ना, क्यूब 4 का क्यूब लेना क्योंकि क्यूब यहाँ पे इन सब का लिया हुआ, तो 4 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे सामने 65, यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेगा, है ना? तो नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर वाली चीज़ों में आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, पहले एडिशन का नियम देखना, सब्सट्रैक्शन देखना, दोनों तो नहीं अप्लाई करके, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रखे, डिवाइड तो नहीं कर रखे, डिफरेंशिएशन ज़्यादा है तो स्कोर तो नहीं कर ले रखा वहाँ पे, स्कोरिंग वाली सीरीज तो नहीं चल रही है, या ज़्यादा डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो वहाँ पे कोई क्यूब वाले सीरीज तो नहीं चल रहा, तो इसी चीज़ को पकड़ते हुए आपको वहाँ पे ये नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन को सोल्व करना। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।